शिवराज ने सिंधिया के लिए कह दी बड़ी बात, दोनों में आई दरार, शिवराज पड़े अलग थलग, मध्य प्रदेश की सियासत में आया भूचाल। दरअसल आपको बता दें 2020 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में शामिल थे। इतना ही नहीं, वे बीजेपी के रास्ते के सबसे बड़े कांटों में से एक थे। अपने पिता माधोराम सिंधिया के मौत के बाद ग्वालियर चंबल क्षेत्र में वे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे और इसका असर हर चुनाव में भी देखने को मिलता था। कांग्रेस के चुनाव अभियान की कमान चाहे किसी के भी हाथ हो, लेकिन बीजेपी नेताओं के निशाने पर सबसे ज्यादा सिंधिया ही रहते थे। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले अटेर विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर व्यक्तिगत प्रहार करने की एक गलती कर दी। एक ऐसी गलती जिसके चलते बीजेपी को अटेर में तो हार मिली ही, शिवराज अपनी पार्टी में भी अलग थलग पड़ने लगे। दरअसल हुआ ऐसा कि 2018 के विधानसभा चुनाव से करीब 2 साल पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। उस समय तक बीजेपी केंद्र में सरकार बन चुकी थी और राज्य में भी काफी हद तक मजबूत थी। ऐसे माहौल में शिवराज यह जताना चाहते थे कि वे एमपी में पार्टी के सबसे मजबूत नेता हैं। वे अपने को कमजोर नहीं दिखाना चाहते थे। उन्होंने 2016 के नवंबर में नर्मदा सेवा यात्रा शुरू की। नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे की मौत हो गई। कटारे अटेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे जो भिंड जिले का हिस्सा है। सिंधिया ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। जब अटेर विधानसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा हुई तो कांग्रेस के लिए प्रचार की कमान सिंधिया ने संभाली। बता दें जब शिवराज सिंह चौहान अटेर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों के साथ मिलकर भिंड की जनता पर जुल्म ढाए हैं। शिवराज के इस बयान का सबसे ज्यादा विरोध उन्हीं की पार्टी में हुआ। इसकी जायज वजह भी थी। सबसे बड़ा कारण थी राजमाता विजया राजे सिंधिया, जो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी भी थी। फिर हुआ यूं कि राजमाता सिंधिया का मध्य प्रदेश भाजपा में वही स्थान है जो कुशाभाऊ ठाकरे का है। शिवराज के इस बयान पर सबसे पहले आपत्ति जताई राजमाता की बेटी यशोधरा राजे सिंधिया ने। यशोधरा ने कहा कि लोग भूल गए हैं कि किस तरह से सिंधिया परिवार ने अपनी संपत्ति भाजपा के लिए कुर्बान की। उन्होंने कहा कि हमारे गैराज से नई नई गाड़ियां भाजपा के पक्ष में चुनाव के समय जाती थी और जब लौटती थी तो दोनों पहिए अलग होते थे और स्टीयरिंग अलग। बता दें कि कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन अटेर उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली। हार का अंतर काफी कम रहा, लेकिन सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे इस चुनाव में जीत गए। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।